हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. एग्जाम आ गया है, सब लोग टाइम से आया करो. ठीक है, अभी देखिए कितने कम लोग आए. धीरे धीरे करके आएंगे. जब आपकी आज एक ही क्लास है, टाइम पे आना चाहिए. चलो, कल से ध्यान रखना सब लोग. मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास. ठीक, तो हम लोग मॉर्निंग में क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से कोई बताइए क्या पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे भाई? रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने उसमें कौन सा वाला पढ़ा था? अभी आरबीआई को देखा था. ठीक है, और आरबीआई में खास कर से ये जो लास्ट में पढ़ा था हमने, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको सही करने के लिए काफी कुछ ये इम्प्रूवमेंट आए. और आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक टॉपिक हम लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक दिन बाद सोचते हैं कुछ भी याद नहीं आ रहा? कितने लोगों को लगता है? सर मुझे तो लगता है सर, पहले ही बिल्कुल लगता है सर, लगता है सर। लगता है ना. उसका जी क्या इलाज है सर, बताऊं? जी सर, उसका इलाज ये, क्लास होने के बाद ओनली 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, एक बार वो खाली ऐसे नजर से देखें तो क्या होता है. हेडिंग आएंगे सबसे पहले. जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, इसी टॉपिक की, सबसे पहले क्या है? एग्जाम नजदीक आ रहा है तो सर मन में घबराहट है सर। मतलब नहीं, घबराहट तो ये होगी, जिसके घबराहट तो पास जिसके होने के कारण बाद भी वही याद होगी. नहीं रहता है सर कुछ। नहीं, कुछ याद कैसे रहेगा, बता रहा, वही बता रहा हूं मैं आपको. आपने जो टॉपिक यहाँ किया, एक बार 5 मिनट, ओनली 5 मिनट के लिए केवल ऐसे बुक से ऐसे देखिए. अच्छा ठीक है, ऐसे करके, अच्छा इसमें ऐसे ऐसे था, ऐसे ठीक है, फिर आरबीआई आ गया, अच्छा इसका ऐसा हुआ, रुपए हुआ है. कुछ जो चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरह आती हैं उसको जल्दी से पार कर जाइए. जो चीज थोड़ी सी नहीं है, जैसे थोड़ा सा ये आरबीआई का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, हल्का हल्का देखा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखा, सब कुछ ऐसे है ना, हल्का अंडरलाइन जहां जहां दिया हुआ है, बहुत फास्ट, थोड़ा सा स्मार्ट तो होना पड़ेगा. रोल और फंक्शन ऐसे देखा, फिर मॉनिटरी अथॉरिटी कोई चीज, फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे देखा. तो केवल 5 मिनट आप ऐसा जरूर कर लें. अगर थोड़ा सा स्लो है तो 10 मिनट कर लें, या अगर नहीं बिल्कुल उस समय नींद आ रही कुछ, तो एक बार 2-3 घंटे के अंदर जरूर सुबह उठ के पहले एक बार देख लें. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, रेपो, LTRO, PLTRO, सब कॉन्सेप्ट है. अगर एक बार हल्का सा देखोगे तो याद होगा. और अगर आपने सोचे कि एग्जाम टाइम में याद करेंगे तो मुश्किल है. ये एग्जाम टाइम ही चल रहा है आपका, है ना. चलो, आरबीआई था, थोड़ा आसान सा था. अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जरूर याद कर लेना, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव के लिए रूल्स आए ना, इनको जरूर थोड़ा देख लीजिए. चलिए, सेबी की बात करते हैं. तो आपको पता है कि सेबी कब आया? सेबी जब हर्षद मेहता कांड हुआ था, उस समय एक रेगुलेटर की जरूरत महसूस हुई थी. तो उस समय फिर जो स्मूथ फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट के लिए महसूस की गई थी उस समय पे, तब यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. ठीक है, और यहाँ पर ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक एक्ट आया 1992 में. और 1992, वैसे तो जो 1991 में रिफॉर्म पैकेज आए थे ना, जो हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म, उसी समय हर्षद मेहता का भी, तो बहुत मतलब प्रेशर हो गया था कि भाई ये तो बहुत जरूरी चीज है, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, तो एक ऑटोनोमस स्टेटरी, स्टेटरी का मतलब समझते हो, जो भी एक्ट से बनता है. संवैधानिक ठीक है, हाँ, मतलब अगर एक्ट ने कोई विभाग या डिपार्टमेंट बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी को हम स्टेटरी बोलते हैं. ठीक है, और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई फिर. ठीक है, 1992 में इसको बना दिया. और ये है किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में फंक्शन करता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है. कौन होते हैं सेबी में? सेबी में एक चेयरमैन हो गया, 3 होल टाइम मेंबर हो गए, और 4 पार्ट टाइम. जो होल टाइम मेंबर हैं उनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव है और ऑफिसर्स हैं. तो ये स्ट्रक्चर हो गया. फंक्शन की बात आ रही है यहाँ पर,
तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाए, द फंक्शंस ऑफ सेबी आर एज अंडर, क्या है यहाँ पे? पहली बात तो अगर हम बात करें तो सेबी जो है रजिस्टर करता है एंड रेगुलेट्स करता है, यानी उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करता है और उन लोगों को रेगुलेट भी करता है। क्या कौन कौन लोग हैं मार्केट में, जो सेकेंडरी मार्केट, वेरियस इंटरमीडियरीज हैं सेकेंडरी मार्केट में, ब्रोकर, सब ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, FII, कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, और इसमें एक नहीं लिखा हुआ मर्चेंट बैंक का नहीं लिखा, वो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन में जैसा RBI है कुछ उसी तरह से ये भी काम करता है, बट ये केवल कैपिटल मार्केट में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और कौन से इन्वेस्टर, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो इनका जो इनका इंटरेस्ट है उसका ध्यान रखना, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करना, और टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफ टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, पूरे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना और प्रमोट और डेवलप करना, ठीक है। इसमें क्या, रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस या कोई भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको देखना, रजिस्टर करना और रेगुलेट करना, इनको, इन्हीं सभी को, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इश्यू, ट्रस्टी, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, ये आ गया, देखो मर्चेंट बैंकर होता है, ठीक है, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन सभी लोगों को जो भी मनी, ओ सॉरी, कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं इंटरमीडियरी, सब लोगों को रजिस्टर भी करता है और उन्हीं लोगों को रेगुलेट भी करता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी सेबी ही वो कर रहा है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो सिविल वाली नहीं है, सिविल वाली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी। कौन कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग कंपनी, सिल, इकरा, मूडी भी है क्या, है मूडी भी है, वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे है, ग्रिसेल है, इकरा है, केयर है, फिच है, ब्रिकवर्क है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर है, अर्नस्ट एंड यंग है, ठीक है, मूडी है, ठीक, ये सारी कंपनी, ठीक। तो यहाँ पर तो रजिस्टर रेगुलेटिंग करता है किसको, वेंचर कैपिटल फंड जो होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड बेसिकली क्या होते हैं, जितने जो भी कंपनीज, समझ लो आपने ज्वाइंट वेंचर सुना होगा, तो जॉइंट वेंचर माने ऐसे इंटरप्रेन्योर कंपनीज, ठीक है, और एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड को सबको करता है, प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये अगर आप देखेंगे तो कॉमन सब उसी तरह के रूल्स हैं जैसे किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पर्पज के लिए होने चाहिए, वही सब रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी, ठीक है, और कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन करना, इंफॉर्मेशन मांगना, इंक्वायरी करना, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज करना, म्यूचुअल फंड की करना, इन सबके वो करना, अदर पर्सन की करना जो सिक्योरिटी मार्केट या इनसे एसोसिएटेड है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर एनी बैंक फ्रॉम एनी बैंक एंड और एनी अदर अथॉरिटी और बोर्ड और कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाई बाई और द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, यानी ये इन लोगों को भी वो कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर वो लोग इस रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको भी वो कर सकता है अंडर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी by the board, promoting such function and exercising such powers under provision of the Securities Contract Act as may be delegated. तो central government जो भी इस act के तहत कोई काम delegate करती है उनको भी perform करता है, और fees लगाना, charges लगाना किसके for carrying out of the, मतलब अपना function
पूरा वो चलाने के लिए वो इन सब लोगों को कोई फीस वगैरह भी लगा सकता है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर द अबव पर्पज, कॉलिंग फ्रॉम द फर्निशिंग टू एनी सच एजेंसीज एज मे बी स्पेसिफाइड द बोर्ड सच इंफॉर्मेशन, यहाँ बोर्ड का मतलब बार बार सेबी है, ठीक है, एज मे बी कंसिडर नेक्स्ट, कुछ भी जरूरत अगर है तो कॉल करने को, फर्निश करने को वो कर सकता है। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन, कुछ और भी जैसा भी उसको कहा जाएगा वो करेगा, ठीक है। बोर्ड में टेक मेजर टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक कर सकता है, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो भी पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी विच इंटेंट टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड, जिसको अपनी सिक्योरिटी को मनी सॉरी कैपिटल मार्केट में लिस्टेड कराना है स्टॉक एक्सचेंज में, उन सबको वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन वगैरह और इंक्वायरी वगैरह कुछ भी कर सकता है। बोर्ड सेल हैव द सेम पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को ऐसी पावर है जैसे कि सिविल कोर्ट को होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल ट्राइंग ए सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। अब बताओ आप कोई बता सकते हैं कि सेबी ने कहीं कोर्ट की तरह कोई काम किया हो, किसी को सजा दी हो? तो हरा वाले में सर हरा बिल्कुल, सहारा में पहले जो पनिशमेंट था, पेनल्टी थी, वो किसने लगाई थी? सेबी ने लगाई थी। उसके बाद वो अपना केस लेके कहाँ गए थे? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट गए थे, वहां से भी हार गए थे, ठीक है, क्लियर हो गया। द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच ए प्लेस एट ए टाइम, कुछ भी वो बुला सकता है, मंगा सकता है, डिस्कवरी कर सकता है, समन कर सकता है, जैसे कोर्ट बोलता ना कि कल आप हाजिर हो इतने बजे, एनफोर्स कर सकता है उनकी अटेंडेंस उनके पर्सन की, ठीक है, इंस्पेक्शन बुक का कर सकता है, रजिस्टर का कर सकता है, किसी बुक रजिस्टर का, रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है, किसी पर्सन का भी, किसी कंपनी का भी। इश्यूइंग कमीशन फॉर, कमीशन माने सजा, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, तो वो कोई ऐसे आदेश पारित कर सकता है, ठीक है। बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। सेबी की टैगलाइन क्या है, किसी को पता है क्या है? क्या लिखा? हर इन्वेस्टर की ताकत हर इन्वेस्टर की ताकत, ये सेबी की टैगलाइन है। तो सेबी सारा काम जो कर रहा है वो इन्वेस्टर के वेलफेयर के लिए कर रहा है, और इन्वेस्टर को जो चीज चाहिए अगर कंपनी के द्वारा मिलेगा तो उस कंपनी को फैसिलिटेट कर रहा है कि आप आओ यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटी की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसको बंद रोक सकता है, और किसी पर्सन को एक्सेस करने से रोक सकता है क्या सिक्योरिटी मार्केट में, किसी ऑफिस बियरर ऑफ द एनी स्टॉक एक्सचेंज एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच, उनको उनके किसी भी स्टाफ को, स्टॉक एक्सचेंज हो या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी, उनके स्टाफ को क्या करता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। इम्पाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स एंड सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी की जो पैसा आता है उसको जब्त कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है और जब्त कर सकता है और उसके प्रोसीड को रोक सकता है फॉर द पर्पज ऑफ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ठीक है। अटैच आफ्टर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड विल बी मेड बाय अप्रूवल, तो यहाँ पर ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो उसके अकॉर्डिंग अटैच कर सकता है, क्या अटैच कर सकता है, जो भी उसने कहा कि भाई वहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया कि इनके पास इनके जो भी शेयर है उनको क्या कर लो, अटैच कर लो, ठीक है। और अटैच आफ्टर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेड फॉर अप्रूवल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month, वन और मोर बैंक अकाउंट और अकाउंट्स ऑफ इंटरमीडियरी, तो जो बैंकों के अकाउंट हैं, इंटरमीडियरी के अकाउंट हैं, उनको क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है
कितना फॉरिन पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना 1 month, मतलब 1 month से कम के समय तक ले वो अटैच कर सकता है, ठीक है। और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर इवॉल्व्ड इन वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द रूल्स और द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर दिस प्रोवाइडेड दैट ओनली द बैंक अकाउंट और अकाउंट्स और एनी ट्रांजेक्शन एंटर देयर इन सो फार। तो ऐसी कोई भी जानकारी के लिए क्या है वो पावरफुल है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको कोई आदेश देते हैं तो सब कुछ वो कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट एनी मार्केट नॉट टू डिस्पोज, यानी वो कह सकता है किसी भी बंदे को, किसी भी इंटरमीडियरी को, कि उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं उनको डिस्पोज ऑफ ना करें, ठीक है, जब तक उनका आदेश ना हो, जब तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो इन सबको रेगुलेट करता है, प्रोहिबिट करता है, किसी भी इश्यू के प्रोस्पेक्टस को रोक सकता है, ऑफर डॉक्यूमेंट को रोक सकता है और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी इश्यू करने के लिए कोई बंदा अगर मनी मांग रहा है तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी वो प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। और वो प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर के लिए क्या है, स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू एंड द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी, तो वो इसके लिए रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकता है बाय जनरल और वो क्या कर सकता है, कोई एक आम आदेश या स्पेशल ऑर्डर जारी कर सकता है, किस काम के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए किसी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए, यही तो पॉइंट है ऊपर, ठीक है, और ऑफर डॉक्यूमेंट को इशू करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फॉर्म, तो इन तीनों काम के लिए वो प्रोहिबिट कर सकता है। स्पेसिफाई द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू विच द प्रॉस्पेक्टस सच ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड मे बी शुड, तो इसमें बोलता हुआ कि ऐसी कोई कंडीशन, स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड, तो वो उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है। पावर टू इन्वेस्टिगेट, जैसे हम अभी बहुत देर से बात बात कर रहे हैं कि सेबी को पावर क्या करने की है, सेबी को पावर इन्वेस्टमेंट करने की है, ठीक है, सेबी को पावर क्या करने की है, इन्वेस्टमेंट करने की है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पावर टू इन्वेस्टिगेट व्हेन इट हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, जब उसे कोई किसी प्रकार का रीजनेबल शक हो रहा है, क्या कि ये जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द, उनके इंटरेस्ट में जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है, या एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द, जो इनके एक्ट के प्रोविजन है अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। सीज और डेजिस्ट प्रोसीडिंग्स, अब चीज यानी रोक सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड दैट एनी पर्सन हैड वायलेटेड और लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर इट मे पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन to seize and desist from committing or causing such violation. अगला आ गया है कौन, एडी, तो बहुत कई बार पढ़ लिया। इस हेडलाइन का कुछ मतलब समझ में नहीं आया, इस वाले का देखो, वो क्या है, अगर उसने इंक्वायरी करी कोई,
और उसे कुछ ऐसा मिलता है दैट किसी को किसी ने पर्सन ने वॉयलेट कर दिए रूल, या वो वॉयलेट करने वाला है इस एक्ट के अनुसार या कोई रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, तो क्या है, इट मे पास एन ऑर्डर, तो एक ऑर्डर पास करता है, कर सकता है, रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज, उस बंदे को काम से रोक देने के लिए, सीज कर दिया उसने, कहते हैं गाड़ी सीज कर दी, कंपनी सीज कर दी, डेजिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच, और उसको आगे से कोई ऐसा वो ना करे, कमिट ना करे कोई भी फिर दोबारा से वायलेशन, उन सब के लिए क्या कर सकता है, उनको उनके काम को रोक सकता है और सीज कर सकता है। ठीक, चलो अब आईआरडीआई की बात आई थी तो हमने पहले बात कही थी कि आईआरडीआई का एक्ट आया और 2000 में बॉडी बनी, और आईआरडीआई कब से काम करना शुरू करता है, 1 अप्रैल 2000 मेरे ख्याल से 1 जून है इसका शायद, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नहीं, ये क्या कॉन्स्टिट्यूटेड करा हुआ है ना इसने, IRDA was constituted in Itna to regulate and develop the business. 1 June किसी और का होगा फिर, चलो ठीक है, ये वर्ड है ना, constituted an autonomous body बना दी इन्होंने, ठीक, क्या कर रही है, और ये जो body बनाई है क्या करती है, इंश्योरेंस एक्ट में और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट में, इन सब में सुधार किया गया कि अब हमको कौन रेगुलेट करेगा, IRDAI, IRDAI वाज टास्क्ड नॉट ओनली टू द फ्रेम एंड इश्यू स्टेटरी एंड रेगुलेटरी स्टिपुलेशन गाइडलाइन, तो वो क्या कहता है, एक तो वो स्टेटरी रेगुलेटरी गाइडलाइंस और ये करता है गाइडलाइंस, ठीक है, बल्कि इसके अलावा एक वो कैसा रोल भी प्ले करता है, मतलब एक तो वो स्टेट्यूटरी और रेगुलेटरी का रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ डेवलपमेंटल और प्रमोशनल रोल करता है, ठीक है, द डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल रोल्स ऑफ द रेगुलेटर इंक्लूड फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर, तो ये सब डेवलपमेंट प्रमोशन सब कुछ करता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDAI हैज टू फोल्ड, क्या है, पहला तो क्या है, पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, मतलब ये इनका भी ध्यान रखेगा और एक इंश्योरेंस मार्केट का भी प्रमोशन दोनों का करेगा, ठीक है, हेंस द वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑल्सो फिगर इट्स नेम इन एडिशन टू द रेगुलेशन, रेगुलेशन किसके लिए करेगा, रेगुलेशन तो करेगा कंपनियों के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट किसके लिए करेगा, जो इंश्योरेंस अपना ले रहे हैं, इमरजेंस ऑफ IRDAI एज द रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर अरोज वन, तो रिकमेंडेशन किसकी, RN मल्होत्रा की कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, कौन सी कमेटी है, मल्होत्रा कमेटी, तो इसमें क्या रिकमेंडेशन ये करते हैं यहाँ पे, द टास्क सेट आउट बिफोर द कमेटी वर, क्या करते हैं, पहले तो जो कमेटी बनी है उस कमेटी को क्या टास्क दिया, उनके सामने क्या टास्क थी, उन्होंने कहा कि सजेस्ट करो इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, टू एसेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी करो, इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एन एफिशियंट एंड वायबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री विच विल है, तो मतलब एक अच्छी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बनाने का काम सौंपा, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर चेंजिंग जनरल पॉलिसी फ्रेम, तो ये रिकमेंडेशन बनाए इनके लिए अच्छा करने के लिए, मेक स्पेसिफिक सजेशंस रिगार्डिंग LIC GIC के लिए टू व्यू टू इम्प्रूविंग द देयर फंक्शन, अच्छा काम करें, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, और टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ रोल फंक्शनिंग ऑफ सर्वेयर्स इंटरमीडिएट लाइक, तो अगर हम बात करें तो ये जितनी भी बातें कर रहा है वो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से जुड़े इंटरमीडियरी, इंश्योरेंस से जुड़े
कंपनी इंश्योरेंस से जुड़ी, एजेंट, ठीक है, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी? कमेटी ने रिकमेंडेशन दी क्या कि गवर्नमेंट स्टेक जो है कंपनियों में क्या कर दिया जाए, कम करा जाए, ठीक है, 50% कर दिया जाए। कब आई थी? 1994 में। गवर्नमेंट से टेक ओवर द होल्डिंग्स ऑफ किसका? जीआईसी को होल्ड करने के लिए बोला, एंड इसकी सब्सिडी, उनकी सब्सिडी को भी, सो दैट डी सब्सिडी कैन एक्ट एन इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन। आपको मालूम है कि ये जो जीआईसी की सब्सिडरी है इस समय क्या अलग से काम कर रही हैं या अभी भी जीआईसी से जुड़ी है? अब अलग से काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो मेहरोत्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि क्या करो इन कंपनियों को, उससे जीआईसी से क्या कर दो, अलग करो, ठीक है। ऑल इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम टू ऑपरेट, ठीक है। कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात अगर करते हैं तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास 100 करोड़ है उनको एंट्री अलाउड करो, तभी तो कंपटीशन होगा। और नो कंपनी शुड डील इन बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस थ्रू ए सिंगल एंटिटी। तो आपने देखा होगा जैसे SBI की जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका नाम क्या है? SBI लाइफ है। और जो SBI की जनरल है वो SBI जनरल इंश्योरेंस। तो वो कहते हैं कि दोनों के लिए क्या बनाओ, अलग 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 बनाओ, ठीक है। फॉरेन कंपनी में भी अलाउड टू एंटर, फॉरेन कंपनियों को अलाउड किया हुआ, लेकिन वो कोलैबोरेशन में आएंगी किसके, इंडिया के। और मैं आपको बताऊं भारत में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी शायद ऐसी नहीं है जो फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ नहीं काम कर रही है। LIC सर, LIC तो गवर्नमेंट की हो गई, प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में जो है ना एंट्री, अगर जो भी अब नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं ना ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस, उसमें क्या है वो सब लोग, कोई भी ऐसा नेम बताओ तो जिसमें फॉरेन नेम नहीं हो। नहीं बताओगे? सारे क्या है जैसे NIC जो है वो कौन सी? NIC नहीं, वो तो जनरल इंश्योरेंस में आ गए फिर। टाटा AIG है सर वो? नहीं, टाटा में AIG बाहर का है, भारती एक्सा, चोला मंडलम और वो दाइची और क्या सेम्पो करके कुछ नाम है, फ्यूचर सर, स्टूड लाइफ, स्टार यूनियन, दाइची जो बोल रहे हैं, स्टार यूनियन, हाँ, दाइची, हाँ। तो वही ना, मतलब कि इंडिया की कंपनी ने बाहर किसी ना किसी कंपनी के साथ क्या करा, वो कोलैबोरेशन किया हुआ, ठीक है। फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI सुना होगा, पोस्ट ऑफिस में, शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन द रूरल मार्केट, ओनली वन स्टेट लेवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ईच स्टेट, ठीक है। और जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उनको केवल ईच स्टेट में वो करना, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट शुड बी सुटेबली अमेंडेड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी शुड बी सेटअप और अ कंट्रोलर। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी सेटअप हुआ उसी कमेटी के रिकमेंडेशन है, क्या बनाया यहाँ पे, IRDA, आई बाद में जुड़ गया था, पहले IRDA, ठीक। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखो जो LIC लाइफ फंड्स हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी रिड्यूस फ्रॉम इतने टू इतना, यानी अपना पैसा गवर्नमेंट में सिर्फ कितना लगाएंगे अभी, 50%, ठीक है, पहले ही 75 था। GIC इन सब्सिडी आर नॉट होल्ड मोर देन 5% इन एनी कंपनी। तो GIC को हटा दिया गया, कैसे हटाया गया, केवल कितना शेयर अलाउ किया हुआ उनको, 5%।
कस्टमर सर्विस, तो उसमें क्या है कि भैया डिले इन पेमेंट बियॉन्ड 30 डे पे इंटरेस्ट पेमेंट करे। आजकल तो पेमेंट बहुत जल्दी आता है आपका, पहले से अगर आपने चेक वगैरह लगा रखा है तो। इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी इनकरेज टू सेटअप यूनिट लिंक, और उन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी को यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के लिए एनकरेज करना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड अपडेटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी कैरीड आउट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, चलो आगे। अब IRDA का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे इनका औरों का पढ़ा था हमने, तो इसमें क्या है, ए फुल टाइम चेयरमैन, फिर उसके बाद क्या है, हु इज सपोर्टेड बाय ए बोर्ड विच कंसिस्ट 5 होल टाइम मेंबर एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर, ऑल ऑफ होम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सब लोग गवर्नमेंट वो करती है। ठीक है, ड्यूटी पावर की अगर हम बात करेंगे ना, तो जैसे हमारा सेबी की ड्यूटीज थी उसी तरह इसकी भी ड्यूटी है, इसकी IRDI। ठीक है, क्या है, रजिस्ट्रेशन, बट ये जो भी काम करेगा इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस और उससे रिलेटेड एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन को ही ये वो करे, कैटर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो तो ये किसके इंटरेस्ट में काम करेगा, पॉलिसी होल्डर के। सेबी किस में काम करता था, इन्वेस्टर के उसमें। ठीक है, और अभिषेक कुमार जी तुम्हारा माइक बंद कर दिया मैंने, तो यहाँ पर तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में काम करेगा, उनके कंसर्न है असाइनिंग ऑफ पॉलिसी के, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन, इन सबको ये देखेगा। ठीक, स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट किन के लिए, एजेंट के लिए या इंटरमीडिएट के लिए, ट्रेनिंग कंडक्ट और क्वालिफिकेशन की बात कर रहे। ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट जो सर्वेयर और लॉस एसेस करने आते हैं ना, वो देखने आते हैं कि गाड़ी में कितना एक्सीडेंट हुआ है, कितना खर्च आएगा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट पता लगा, आपने उसे 500 रुपए दिए, उसने आपको कह दिया जी 20,000 का नुकसान हुआ, नहीं दिए तो उसने कहा 2,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, प्रमोटिंग इफिशेंसी इन द कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, लेविंग फीस अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, वही काम जो सेबी वाला कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन करना, ऑडिट करना, इंटरमीडिएट इंश्योरेंस, इन सब का वो करना। ठीक है, कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ, अब यहाँ पे रेट एडवांटेजेस टर्म्स कंडीशन जो भी इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योर्ड पर्सन को ऑफर करती है उनको देखना, दैट मे बी ऑफर्ड बाय इंश्योरर इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नॉट सो कंट्रोल रेगुलेटेड बाय द, जो भी टीएसी का मतलब है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, टैरिफ का मतलब होता है खर्चा या प्रीमियम समझ लो, जो हम लोग इंश्योरेंस में देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, तो प्रीमियम में ये जो टैरिफ है कितना होगा, किस एज के बंदे के लिए, कौन सी स्कीम में, कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या प्रीमियम आई, तो ये TF वो करती है, लेकिन GIC के लिए बोला हुआ है, वो क्या बोलता है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस है जो किससे रेगुलेट नहीं होता है, TAC, उनके लिए क्या रेट्स एडवांटेज टर्म्स कंडीशन को ड्राफ्ट करने के लिए कंट्रोल और रेगुलेट करेगी, स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन, कैसे अपना हिसाब किताब रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कैसे वो अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि LIC इंश्योरेंस कंपनी का जो भी पैसा जमा होता है उसको उसे कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस, इनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करना, यानी सुनना समझना। ठीक है,
सुपरवाइजिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लास इन इन क्लॉज एफ, मतलब ऊपर ये एफ दिया हुआ ना, यहाँ पे ये दिया हुआ ऊपर ये प्रमोटिंग वाला एक क्लॉज, ठीक है। और चलो ये सब कॉमन बातें हुई, आगे एंटिटीज रेगुलर IRDI किन किन को रेगुलेट, बहुत सिंपल सा है, LIC, GIC, री इंश्योरेंस एजेंसी चैनल, कोई सी भी कंपनी हो अगर इंश्योरेंस काम कर रही तो देखती है, ठीक है। इंटरमीडियरीज विच इंक्लूड, इंटरमीडियट कौन होते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वेयर को भी यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। ऑन साइट एंड ऑफ साइट सुपरविजन, ऑन साइट एंड ऑफ साइट सुपरविजन, ऑन साइट का मतलब क्या होता है बताओ, ये दो सुपरविजन है, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट, क्या होते हैं। ऑन साइट इंस्पेक्शन नॉर्मली कैरीड आउट ऑन एनुअल बेसिस विच इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस ब्रांच ऑफिस, यानी जब वो लोग आपके वहां आ करके इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये पावर जो है उसको है ऑन साइट इंस्पेक्शन की, ठीक है, और ये कंप्लायंस वगैरह को चेक करते हैं जैसा इंश्योरेंस एक्ट में रूल्स रेगुलेशन में लिखा गया है, ठीक है। ऑफ साइट इंस्पेक्शन में क्या होता है, इसमें कहता है टू मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, आइडेंटिफाइंग कंपनी विथ सो फाइनेंशियल डिटोरिएशन वुड बी अ सोर्स ऑफ सुपरवाइजर, यानी उनकी फाइनेंशियल हालत खराब होती जा रही है और उनके वहाँ सुपरवाइजरी वुड बी सोर्स फॉर सुपरवाइजरी, कुछ ऐसे सुपरवाइजरी मामले आते हैं कि वो नहीं कंपनी ठीक से चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना। ऑन साइट में तो जाके क्या कर रही है, उनके वहाँ इंस्पेक्शन कॉर्पोरेट ऑफिस और ये सब एनुअल बेसिस में जाती रहती है, लेकिन ऑफ साइट में क्या कहता है कि वो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को करके ऑफ साइट सर्वेलेंस निगाह रखना, उस पर क्या करना, निगाह रखना, ठीक है। दिस एक्ट एज ए ट्रिगर फॉर द टाइमली, और इससे क्या होता है टाइमली कोई भी दिक्कत होती तो कंपनी उसको जल्दी से दूर करने का प्रयास करती है। द ऑफ साइट इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाई एनालिटिकल पीरियड स्टेटमेंट, अब वो क्या क्या होता है, जो उसके पीरियड के स्टेटमेंट है, उनकी रिटर्न्स है, उनकी रिपोर्ट्स है, उनकी पॉलिसी है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, इन सबको देख करके ये कर लेती है। अब जैसे हम लोग माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे थे, ऐसे ही क्या होता है माइक्रो इंश्योरेंस होता है एंड रूरल एंड सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन। तो इसमें आपने देखा सरकार की भी कुछ स्कीम्स इंश्योरेंस में चल रही हैं, ठीक है, थीके? तो माइक्रो इंश्योरेंस की बात करते हैं, लो इनकम के जो लोग हैं, आपको अगर मैं पूछूं आपसे माइक्रो फाइनेंस में फैमिली की डेफिनेशन क्या थी, जल्दी से बता सकते हो, हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड बच्चे, फैमिली की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही माइक्रो इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो किन लोगों के लिए, लो इनकम पीपल जो थे उनके लिए होता है, ठीक है, और उसमें स्टैंडर्डाइज पॉपुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए और एडेरिंग टू सर्टेन लेवल ऑफ कवर प्रीमियम बेनिफिट स्टैंडर्ड उसमें एक फिक्स टाइप का होता है। दीज रेगुलेशन हैव अलाउड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर परमिटेड एंटिटी टू एक्ट एज एजेंट फॉर, मतलब इन लोगों को भी अब क्या इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनाया जा सकता है, कब, जब वो क्या कर रही हूँ, किस चीज की मार्केटिंग कर रही हूँ, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हाँ इनकी मार्केटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और हैव आल्सो अलाउड बोथ लाइफ और नॉन लाइफ प्रमोट कॉम्बो माइक्रो, तो दोनों के लिए प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। और रेगुलेशन दैट हैव प्रधानमंत्री के बीमा आए हैं 1230 और 1212 रुपए वाले जो शुरू किए थे, वो इसी में आते हैं क्या माइक्रो इंश्योरेंस में, 2 लाख तक का सर, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की बात कर रहे हैं, हाँ उसमें जो है ये एक में तो कितने 20 रुपए जमा होते हैं ना,
जी, और एक में 436 रुपए हो गया है। 436 रुपये महीना है ना? नहीं नहीं सर, एनुअल है। तो एनुअल है तो माइक्रो में ही आ गया फिर, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लो इनकम। लोअर इनकम, तो जो साल के 300, 400 या 20 रुपए दे रहा है तो वो कौन कैसा होगा एक ग्रुप में, वो लो इनकम पीपल में से ही होगा। ठीक है, एपीवाई, एपीवाई तो पेंशन स्कीम है ना। इसके लिए ये पीएमएसबीआई के लिए ना, पीएमएसबीआई और पीएम जेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, लेकिन एपीआई में एक रूल आ गया है, एपीवाई में क्या आया है, ओनली सर अब जो टैक्स पेयर है वो अब इसमें एनरोल नहीं हो नहीं, सकते हैं। इसमें जो है इनकम टैक्स पेयर जो है ना, उन लोगों को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूड मतलब उनको ये बेनिफिट या ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पिछला तो चलता रहेगा सर। हाँ पिछला चलता रहेगा, पिछला चलता रहेगा। ठीक है, द रेगुलेशन दैट हैव बीन फ्रेम्ड बाय अथॉरिटी ऑन ऑब्लिगेशन, और इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशंस इंश्योरर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ईयर वाइज प्रिस्क्राइब टारगेट। तो ये जो माइक्रो लाइफ में है इसमें कुछ क्या दिए हुए, टारगेट दिए थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइव्स एंड सोशल ऑब्लिगेशन, कितनी लाइफ कवर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉलिसी टू बी अंडर रिटन एंड परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस प्रीमियम, यानी कितनी पॉलिसी, पता लगा नंबर ऑफ पॉलिसी की परसेंटेज निकालनी है किससे, ग्रॉस प्रीमियम इनकम से, रिटन डायरेक्टली बाय द लाइफ और दोनों तरह की कंपनी को। ठीक है, फिर अगला आ गया कौन सा, पीएफआरडीए, कौन सा आ गया अगला, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2003। तो पीएफआरडीए बना, और उसके बाद आपको पता है कि जो आपका ये नेशनल पेंशन स्कीम है ना, वो किसने लॉन्च करी है, पीएफआरडीए ने। ठीक है, एनपीएस जो आपका करता है वही है ना ये, यस सर। ठीक, और फंक्शन क्या है पीएफआरडी के, फंक्शन की बात करें तो इसमें ये किसको करेगा, किसको प्रमोट करते हैं, पेंशन स्कीम जो चल रही है। ठीक है, नेशनल पेंशन में जिसमें टीयर वन और टीयर टू का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, पीएफआरडीए परफॉर्म ए फंक्शन अपॉइंटिंग वेरियस इंटरमीडिएट एजेंसीज लाइक पेंशन फंड मैनेजर रखता अपने पास, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, पॉइंट टू प्रेजेंस एजेंसीज हैं, एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक एंड स्टेक होल्डर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेंशन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज दैट परफॉर्म, एड्रेसिंग ग्रीवांसेस शिकायतों को सुनना, एड्रेसिंग रिजॉल्विंग डिस्प्यूट करना, इंटरमीडियरीज ऑफ पीएफआरडीए। तो अभी हमने ऊपर नाम देखा कि ये सब कौन है, टीयर वन टीयर टू क्या है इसमें, टीयर टू टीयर वन ही होता है, इसमें दो फंड होते हैं टीयर वन और टीयर टू। टीयर वन तो आपका आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपके डिपार्टमेंट से या आपके एम्प्लॉयर से। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा भी कुछ जमा करना चाहते हैं तो कहाँ पे जमा कर सकते हैं, टीयर टू, टीयर टू में जो भी कंट्रीब्यूशन है, यदि कोई कस्टमर एनपीएस खुलवा रहा है तो उसके लिए टीयर वन होगा या टीयर टू, उसके लिए टीयर वन नहीं होगा क्योंकि उसका एम्प्लॉयर कोई भी नहीं है। ठीक है,
वो कौन से इन्वेस्टमेंट से करेगा अपना काम? टियर टू, ठीक है। और इंटरमीडिएट हम लोगों का तो एक एम्प्लॉयर्स का शेयर भी जाता है और एम्प्लॉई का शेयर भी जाता है, तो टियर वन टियर टू दोनों होता है ना हम लोगों का भी? नहीं 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 ना ना, टियर वन टियर टू अलग अलग होते हैं। टियर टू में सर वो खुद से कर सकते हैं जो उसमें नहीं वो गिनती होगी। किसमें गिनती नहीं होगी बताया आपने? इनकम टैक्स में छूट नहीं ले सकते टियर टू वाले का? हाँ टियर टू का ना। हाँ जी टियर वन का ले सकते हैं, है ना। टियर टू से पैसे निकाले भी जा सकते हैं सर वो कभी भी। हाँ वही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। कस्टमर का तो टियर वन में खोल दिए थे सर, आया था सर। नहीं कोई भी टियर वन में पेंशन फंड में रहेगा तो टियर वन में ही जाएगा, चाहे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में ही जाएगा सर। और टियर टू फिर क्यों है? टियर टू में सर एडिशनल, टियर टू इज लाइक सेविंग बैंक अकाउंट सर। सर 50 टियर टू में सर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है टैक्स सेविंग के लिए अभी तो। किसमें सर? वो टियर वन में है, टियर टू में नहीं। टियर वन में ही है वो, टियर टू में सेविंग बैंक की तरह है, आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हो कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन टियर वन में ऐसा नहीं है। उसमें 50,000 की एडिशनल आपको छूट मिलेगी ए टू सी सी डी वन बी में। प्रतिभा तुम्हारे वहां से डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। ये देखो स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं, दिखा दिया सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हम बात करते हैं कि टीयर वन और टीयर टू दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक आया यहाँ पे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यानी PFRDA का जो भी क्या रखती है, रिकॉर्ड रखती है। तो रिकॉर्ड ये सब काम जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कस्टमर हु आर रजिस्टर्ड अंडर द NPS। इशूइंग कौन सा नंबर मिलता है? PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी इंटरमीडियरी हैं वो PFRDA के लिए काम करती हैं, चाहे वो पेंशन फंड हो या ट्रस्टी बैंक हो। मॉनिटरिंग कंट्रीब्यूशन NPS सब्सक्राइबर and updating various intermediary about the same, furnishing periodic and updated PRAN statement, जो अभी मैं statement दिखा रहा था आपको, ठीक है, regular basis पे आता है। Overseeing the settlement of funds, तो जो settlement of fund हो रहे हैं उनको ऊपर से निगरानी रखना कि भाई ठीक ठाक हो रहे नहीं हो रहे। फिर आता है pension fund manager, तो आपका जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना उस पैसे को invest करना होता है, तो pension fund manager essentially are mandated to invest and manage fund for subscriber। उन लोगों का मतलब वो थोड़ा सा उस एरिया में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसकी जानकारी होती है और वो उस पैसे को आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ठीक है। आपकी बुक और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर, हाँ शेयर टाइप का ही शेयर, ये पैसा तो वहीं जमा करते हैं ना। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज द थर्ड एंड द मोस्ट पब्लिक फेसिंग एंटिटीज ऑफ PFRDA आर
the point of presence agencies following are the functions that they perform. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो लोग हैं, तो पहले बोलता है जब भी आप इसमें फंक्शन परफॉर्म करेंगे क्या करेंगे, टू रिसीव एंड एनालाइज द ड्यू लिस्ट, जो भी आपकी एप्लीकेशन आएंगी डॉक्यूमेंटेशन आएंगी उन सबको वो करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट, कलेक्ट एंड वेरीफाई एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाई सब्सक्राइबर थ्रू वेरियस चैनल लाइक कैश डिमन, जैसा भी उस पेमेंट आया है, टू डिडक्ट एंड कलेक्ट एनपीएस एप्लीकेशन फीस लेंगे और आपको रसीद देंगे, अपलोड करेंगे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को, मेंटेन करेंगे ऑल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो भी वेरियस एनपीएस अकाउंट ऑफ कस्टमर्स का होता है, कैरी आउट चेंज इन सब्सक्राइबर डिटेल्स एट पर, अगर आप कहेंगे भैया मेरा नाम सही कर दोगे वो करेंगे, हैंडल रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट को भी वो करते हैं, ठीक है। अब ट्रस्टी बैंक कौन होता है इसको जरा समझ लीजिए, जरा ट्रस्टी बैंक, ठीक है, ट्रस्टी बैंक में कौन है, फॉलोइंग आर द टास्क दैट ए ट्रस्टी बैंक परफॉर्म, क्या करता है, रिसीव्स फंड्स फॉर एनपीएस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो ये क्या करेंगे ट्रस्टी बैंक, जितना भी पैसा आ रहा है उसको इकट्ठा करेंगे, वेरीफाई अमाउंट पेड बाई जोनल ऑफिसेस, फंड ट्रांसफर विद डिस्क्रिपेंसी आर रिटर्न टू जोनल ऑफिस, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जोनल ऑफिस को वापस कर देंगे, प्रिपेयर फंड रिसीव इंफॉर्मेशन बाई कंसल्टिंग ऑल द फंड रिसीव टू एनपीएस को जो भी मैंने उसके लिए रसीद जारी करेंगे, और ट्रांसफर द फंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बाई द सीआरए, सीआरए कौन है, जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, फॉर सेटलमेंट ऑफ फंड फॉर वेरियस एंटिटी, रिकनसाइल डेली बैलेंस इन अकॉर्डिंग टू द सीआरए, मेंटेन रिकॉर्ड, तो ये ट्रस्टी बैंक जो है इतने काम करता है, यानी एक तरह से अगर मैं बात करूं तो जो भी पैसे का लेन देन का हिसाब हो रहा है वो कर रहा है, कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या करता है, जो भी पैसा मार्केट में लगता है तो उसकी क्या इश्यू होती है इनके पास, एक सिक्योरिटीज या कोई एसेट, तो कहते हैं उनके अकाउंट मेंटेन करते हैं, कलेक्ट एक्रूड बेनिफिट ऑन सिक्योरिटी, उसमें आगे जो होने वाले बेनिफिट है उसको कलेक्ट करते हैं, एक्टिंग एज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी एंड परफॉर्मिंग फंक्शन रिलेटेड टू द सेम, इंफॉर्मिंग अबाउट द एक्शंस दैट आर टू बी टेकन और हैव बीन टेकन बाय इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, मेंटेन्स एंड रिकनसाइल रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेस, ठीक है, मेंटेन एंड रिकनसाइल रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विसेस, रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट चेंजेस इन एनी ऑफ द केवाईसी, कोई भी अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको देखेगा, ग्रीवांस हैंडलिंग करेगा, ठीक है, चलो इन क्वेश्चन जरा देख लेते हैं एक बार, पहला क्वेश्चन आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, बहुत आसान सा है, 49 हाउ मेनी टाइम्स द मिनिमम डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कितने समय मिलना जरूरी है उनको एक साल में, 6 बार, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, सीआरआर में कितना इंटरेस्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता, पहले 99 तक या 2000 तक मिलता था, उसके बाद बंद हो गया, ठीक है, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर आर देयर इन सेबी, में सेबी के बोर्ड में कितने मेंबर फुल टाइम है, 4 members, 3. हाँ क्या था, सेबी बोर्ड में जो फुल टाइम मेंबर हैं वो कितने हैं, 3, ठीक है, 4 कैसे हैं, 4 part-time डेप्यूटी गवर्नर, हाँ नहीं डेप्यूटी गवर्नर इसमें नहीं है, डेप्यूटी गवर्नर वो पार्ट टाइम, ठीक, अच्छा आईआरडीए जो स्टेबलिश हुआ कौन सी कमेटी है, मेहरोत्रा कमेटी, ठीक है, चलो तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को जो भी हुआ है 5 मिनट तसल्ली से बैठ के और
मैंने शुरू में ही बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, कई लोगों ने ये भी कहा था कि साहब बुक लेना जरूरी है क्या, ठीक है बहुत महंगी है, मिल नहीं रही है, वो सब बातें हुई थी, लेकिन इस समय बुक बहुत काम आ सकती है, खासकर से उन लोगों के लिए जिन्होंने चैप्टर को एक बार हम लोग आपस में गो थ्रू किया हुआ है, ठीक है। तो रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इस टॉपिक के 50 एमसीक्यू करें उससे अच्छा है 10 मिनट में टॉपिक को क्या कर ले, रिवाइज कर ले, रीड आउट करो बहुत तेजी से, कंसंट्रेट हो जाओ। और क्योंकि बुक में एक अच्छी बात क्या है, बुक में जहां पर भी ये हेडिंग दी है वो कौन से कलर से दिए हुए हैं, बुक से, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कलरफुल टाइप का बनाने का प्रयास किया गया है, जहां पर भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स कस्टमर सर्विस देखो जरा एक बार सबको, ठीक है, कहीं पर भी फिगर्स लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे बोला था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएंगे कितना 50%, ऐसे ही जीआईसी सब्सिडी कभी भी किसी भी कंपनी में किससे ज्यादा हिस्सा नहीं लेगी, ऐसे जहां पर भी ये परसेंटेज है, पॉइंट्स है, हेडिंग है, चार्ट है, उनको आपने करना, क्योंकि हम लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ लिया तो जो अननेसेसरी ग्रामर होती है वो हम निपटा चुके हैं। देखो ये था अलग, जैसे सेबी का चेयरमैन है, 3 होल टाइम और 4 पार्ट टाइम है, ठीक है, होल टाइम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अच्छा एक बात मैं और कहना था, कल सुबह हम लोग जो है इसका जो एक और टॉपिक है ना वो भी थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का टॉपिक है, कल सुबह हम उसको करेंगे, और कल शाम से हम मॉड्यूल क्या करेंगे, मॉड्यूल डी करेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी का रिवीजन करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेंगे मैं फिर बता दे रहा हूँ, एक तो मैं लूंगा कौन सा जीडीपी, एक कौन सा लूंगा मैं बजट, ठीक है, और मनी मार्केट वाला, मनी सप्लाई वाला, सॉरी, ठीक है, ये 3 के अलावा और भी लूंगा मैं टॉपिक, कोशिश करूंगा ए और बी मॉड्यूल में, वो बी तो पूरा करूंगा मैं, बी वाला जो है पूरा करूंगा, एक आठ टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक बी मॉड्यूल में, हाँ ये बी मॉड्यूल तो ऑलमोस्ट पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें से 12 या 15-18 मार्क्स आपके बी मॉड्यूल में आ सकते हैं, और जो लोग अपने आप भी रिवीजन कर रहे हैं, मैं जो कराऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी करना चाहे ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने छुट्टी उट्टी ली किसी ने, सर हाँ सैटरडे की ली है, हाँ लो एक दिन की लो और वो करो, सर है हाँ बोलो क्या करे, सर ये ना इसका जो आपने अभी कराया इसका पीडीएफ, और सर जो 5 ईयर प्लानिंग का है ना सर, एक बार उसकी पीडीएफ भी भेज दीजिएगा सर, एक्चुअली हमारे पास बुक नहीं है तो हम उसे निकाल लेते ना सर, तो हाईलाइट करके अभी करवाता। अच्छा ये किसी ने पूछा हुआ यूनिट लिंक्ड बताया सर, प्रतिभा ने पूछा हुआ यूनिट लिंक का बता देता हूँ, हाँ सुनो यूनिट लिंक का क्या होता है कि आप लोगों ने मेरे इंश्योरेंस के लेक्चर नहीं देखे ना, इधर देखो आप जो भी प्रीमियम देते हैं, जब सब लोग देख लें सबके काम आएगा, आगे भी काम आ सकता है, चैप्टर भी है इंश्योरेंस वाला, जो भी प्रीमियम आती है ना, सपोज कीजिए किसी की 10,000 की प्रीमियम आई, तो इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, यानी आपका 500 रुपये तो इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, फिर एडमिन कॉस्ट होती है यानी कंपनी का खर्चा, मान लिया 100 रुपये जा रहा है,
फिर आती एलोकेशन, क्या होता है एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब वो पैसा जहां लगाया जा रहा है उसमें खर्चा होता है कुछ, तो 200 रुपए ये हो गया। फिर कमीशन होता है किसका, एजेंट्स का, एजेंट का, मान लिया 500 रुपए कमीशन हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 1300 रुपए हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी 8700 क्या होता है आपका इन्वेस्ट, बाकी 8700 क्या होता है आपका इन्वेस्ट होता है, हाँ ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, दो जगह होता है, या तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, या कहाँ पे, कहीं डेट वगैरह में, या कहीं पर डेट, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है आपकी, आपका कुछ पैसा कहाँ लग सकता है, कैपिटल मार्केट, मार्केट, तो वो इंश्योरेंस स्कीम जिसमें ये खर्चे तो लगते ही लगते हैं, बट आपका इन्वेस्टमेंट जहां भी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में हो रहा है, इन्हीं प्लान्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ट्यूलिप प्लान, ठीक है, और इन इन प्लान को बोलते हैं ट्रेडिशनल। हाँ बोलो, इसमें एक चीज कही गई, इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी एनकरेज्ड टू सेटअप, मतलब अभी जो कंपनीज हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी, उनको कहा जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है कि ये ही प्लान दे, तो ये क्या नहीं थी, हाँ ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप ऐसे प्लान लेंगे तो पैसा आपका कैपिटल मार्केट में लगेगा। कैपिटल मार्केट में पैसा लगने का मतलब है आप कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, और जो कंपनियों को पैसा दे रहे हैं तो कंपनी क्या करेंगी, इकोनॉमी की ग्रोथ करेंगी, एम्प्लॉयमेंट देंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सब, इसलिए, ठीक है। ये जो खर्चे हैं ये वन टाइम कॉस्ट होता होगा ना किसी भी एक पॉलिसी के लिए, अलग अलग पॉलिसियों का रहता है, किसी पॉलिसी में आपका एलोकेशन चार्जेस बहुत कम होता है, जबकि यूलिप पॉलिसी में एलोकेशन चार्जेस होते हैं, क्यों, क्योंकि वो शेयर मार्केट में तो बहुत सारे शेयर्स हैं ना, तो कौन से शेयर में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, किसी में कमीशन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। कभी आप अपना पॉलिसी का स्टेटमेंट देखना यूलिप वाला, किसी ने यूलिप पॉलिसी करी है कभी अभी तक, आप 25,000 रुपए देते हैं ना, तो जब पहला स्टेटमेंट आता है तो आपकी फंड वैल्यू कितनी आती है, 25,000 से कम आती है, कम आती है, क्यों कम आती है, जो मैंने वो बताया ना, वो चार्जेस चले जाते हैं, पैसा इसमें बढ़ जाता होगा, हाँ ठीक है, इसी इतना इतना फंड आपका इन्वेस्ट हो पाता है, फिर वो ग्रोथ होगी, अगर वो भी ग्रोथ बाजार में है तो, नहीं है तो 21 का कितना हो जाएगा, 18,000 भी हो सकता है, ठीक है, बट ये पैसा शेयर मार्केट में जाता है, इसलिए क्या माना जा रहा है कि सरकार कह रही है इसमें करो, एजेंट भी ज्यादा इसी को कराते हैं, क्यों कराते हैं पता है, क्योंकि इसमें कमीशन ज्यादा, शुरू के उसमें तो 20-30% कमीशन होता है, पहली दूसरी जो आपकी प्रीमियम जाती है, ठीक है सर। एक और चीज, सो जो मॉर्निंग का क्लास था सर, उसका यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, वो मॉर्निंग वाला यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है जी, मैं भी देखता हूँ उसको, एक मिनट लाइन पे रहो, मैं भी देखता, मैं भी देखता हूँ, अभी हमने चेक किया तो वो यही वाला क्लास दिखा रहा है जो आप अभी ले रहे हैं। अच्छा, वो लिंक वो दाएं बाएं हो रहा होगा लिंक ना, 2 मई का 6:30 बजे सुबह का जो क्लास है सर, और टाइम जो है ना
आगे पीछे हो सकता है। सुबह हमारा हुआ था अभी हो रहा है मैडम अभी अभी मैंने किया लेकिन वो अभी जो सर पढ़ा रहे हैं ना वही वाला लिंक चल रहा है थोड़ा सा पीछे वही क्लास चल रही है थोड़ा पीछे। अच्छा मैं एक बार और करके देख लेती हूँ। दो मई को सुबह 7:30 PM पे 6:30 AM कोई बात नहीं। मैं अभी ना इसमें लिंक दे रहा हूँ आपको, ग्रुप में दे दिया मैंने जी। ठीक है सर। 02/05/2023 और 6:30 PM ग्रुप में दे दिया मैंने। ठीक है जी सर, थैंक यू। चलो पढ़ो। जितना आपका स्टेमिना हो ना, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए जरा। मतलब जैसे कहते हैं जंग जीतना,